आइए दोस्तों, मैं पहले कवि को बुलाना चाह रहा हूं, एक ऐसा कवि जिसको सुनकर बस आप मेरे दो मिनट उसके साथ सामने बैठा लेना। मेरा दावा है कि अगले 15 मिनट वो आपको झूमने के लिए मजबूर ना कर दे तो गीत गुलजार का होना कोई अर्थ नहीं रखता। पहला कवि फिरोजाबाद, चूड़ियों की नगरी, श्रृंगार की नगरी, एक ऐसी नगरी जहां उसने पूरी दुनिया को सुहाग बांटे, एक ऐसी नगरी जिसने प्यार का अर्थ सरोकारों में बदला, वहां से आते हैं भाई प्रवीण पांडे पहले कवि के रूप में और जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन कर। और उदत दुखी नितांत हो, और उदत दुखी नितांत हो या कि तीव्रतम प्रशांत हो, और उदत दुखी नितांत हो या कि तीव्रतम प्रशांत हो, काव्य जन्मता है सिर्फ तब मन अशांत या कि शांत हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनहद नाद की अधिष्ठात्री मां श्वेतांबरा को प्रणाम करता हूं, विशुद्ध पावन मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को मेरा यथोचित अभिवादन। मैं सीधे गीत से ही प्रारंभ करना चाहता हूं, सुनिएगा। दो नयन हैं रत जगे से, होठ पर किसे ठगे से। दो नयन हैं रत जगे से, होठ पर किसे ठगे से। हाथ रेखा बिन अभागे, पांव कुछ कुछ डगमगे से। और मन के द्वार कोलाहल मचा है, बस हमारे पास इतना ही बचा है। भाई वाह 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 बेटा वाह, बस हमारे पास इतना ही बचा है। गीत का पहला बन सुनिएगा। एक सावन है सुलगती आग जैसा, और कुछ अनुबंध है आधे अधूरे। शाम है कुछ हिचकियां हैं सिसकियां भी, स्वप्न हैं जो हो न पाए मीत पूरे। खेलते हैं खेल जो विधि ने रचा है, खेलते हैं खेल जो विधि ने रचा है, बस हमारे पास इतना ही बचा है। बस हमारे पास इतना ही बचा है। वाह 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 वाह। अगला बन सुनिएगा। मोड़ वह जिस पर मुड़े तुम फिर न लौटे, वह गली जिसमें तुम्हारा घर दिखा था। आई है, आई है, वाह वाह। मोड़ वह जिस पर मुड़े तुम फिर न लौटे, वह गली जिसमें तुम्हारा घर दिखा था। चित्र वह जिसको संभाला है अभी तक, गीत वह जो देख कर तुमको लिखा था। और यह जग प्रेम जिसको कब पचा है, और यह जग प्रेम जिसको कब पचा है, बस हमारे पास इतना ही बचा है। वाह 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 वाह। बस हमारे पास इतना ही बचा है। वाह वाह। बस हमारे पास इतना ही बचा है। वाह। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। वो ब्रज के लोग कनेक्ट हो जाए। वाह। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है मंच से, मैं कुछ एक ब्रज के छंद सुना दिया। बहुत शानदार है वो। पहले बहुत आप सुनिएगा। पहला छंद ब्रज की वंदना का है, आप सुनिएगा।
ब्रज भूमि सुरासन ते बढ़े के, ब्रज भूमि सुरासन ते बढ़े के, सिग भेद अभेद हरे पल में, नहीं चित्र ही ये ते हटाए हटे, घन श्याम की झाई जो उखल में, लुट जाते ते हूँ पुर की सुषमा, लुट जाते ते हूँ पुर की सुषमा, अस प्रीते नहीं नभ में थल में, लुट जाते ते हूँ पुर की सुषमा, अस प्रीते नहीं नभ में थल में, जहाँ श्याम सिंगार प्रिया को करें, जहाँ श्याम सिंगार प्रिया को करें, नित देखी छवि जमुना जल में, जहाँ श्याम सिंगार प्रिया को करें, नित देखी छवि जमुना जल में। एक समय और सुनिए, हम काह करें कित ध्यान धरें, यह ध्यान को ध्यान भुलावती है। एक गोपी दूसरी से बोली, हम काह करें कित ध्यान धरें, यह ध्यान को ध्यान भुलावती है, सिग काम बने बिगरे सुने के, यह कुंजन बीच डुलावती है, एक हुक उठे कछु नाही सुने, एक हुक उठे कछु नाही सुने, ही अकीति तरी अकुलावते है, एक हुक उठे कछु नाही सुने, ही अकीति तरी अकुलावते है। और गोपी बोली, इत सासु सुनावती गारी हमें, इत सासु सुनावती गारी हमें, उत श्याम की बंसी बुलावती है। और मैं गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं, उस गीत की पूर्व पीठिका में चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। एक छोटी सी निवेदन कर दूं, मैं जानता हूं आप सब गीतों के गजलों के श्रोता हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं, लेकिन कवि को ये लगता है अगर आप खामोश हो जाते हैं, अतिरिक्त खामोश हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। बस एक हमारी अपनी जागरूकता, क्योंकि आपका चेहरा हमें नहीं दिख रहा, कवि को नहीं दिख रहा, आपकी अभिव्यक्ति वहां तक पहुंचनी चाहिए, जहां अच्छा लगे स्नेह की तालियां उस तक पहुंचाते रहें, अच्छा लगेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार समवेत तालियां बजाकर प्रवीण को आदेश करें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग, मैं गीत रखना चाहता हूं, पूर्व चार पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, है है। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया, है है। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया, नाजुक थी तुम्हारी कलाइयां बहुत प्रिय, नाजुक थी तुम्हारी कलाइयां बहुत प्रिय, तुमसे पवित्र प्रेम संभाला नहीं गया, तुमसे पवित्र प्रेम संभाला नहीं गया। अब मैं गीत रखना चाहता हूं, आप प्रेम से गीत सुनिएगा। प्रिय तुम्हारा हाथ थामे यदि समय के पार जाते, हाय हाय क्या शब्द, देखो विनय। प्रिय तुम्हारा हाथ थामे यदि समय के पार जाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते,
प्रिय तुम्हारा हाथ थामे यदि समय के पार जाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते। उम्र भर शहनाइयां पर छाइयों को यों न ढोती, और ये कलियां भला क्यों निज हृदय में शूल बोती। हाय वाह। क्यों पपीहे की तरह यह त्रिषित मन प्रतिपल तरसता, क्यों नयन से अग्नि बन कर प्रेम का पतझर बरसता। यदि कभी तुम अंजुरी भर, हाँ कभी तुम अंजुरी भर नेह का संसार लाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते। भाई वाह 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 वाह। प्रिय तुम्हारा हाथ थामे, गीत का अगला बन सुनेगा। झील की अंगड़ाइयां गहराइयों में खो न जाती, घूंघटों की ओट में लहरें सभी यों सो न जाती, बूंद भी जल में समा कर नित्य एकाकी न होती, सागरों ने धैर्य की सीमा कभी लांघी न होती। यदि अधर की लालिमा का अधर पर उपहार पाते, यदि अधर की लालिमा का अधर पर उपहार पाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते। प्रिय तुम्हारा हाथ थामे, यामिनी की प्रश्न मालाएं सभी उलझी न होती, वाह, और ये सब उलझने थक हार कर सुलझी न होती, प्यास भी जीवन डगर की सच कहूं प्यासी न होती, उम्र की पावन कहानी भी उपन्यासी न होती। हाय यदि तुम्हारे पांव में निज नाम का श्रृंगार पाते, हाय हाय, यदि तुम्हारे पांव में निज नाम का श्रृंगार पाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते। वाह 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 वाह। प्रिय तुम्हारा हाथ थामे यदि समय के पार जाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाए। अगला बन सुनेगा। कामिनी कस्तूरियों ने व्यर्थ भ्रम पाले न होते, हार कर ऋतुराज ने हथियार सब डाले न होते, डोलता क्यों उच्च सिंहासन समय का, हाय देखो डोलता क्यों उच्च सिंहासन समय का, क्यों बिगुल बजता नहीं रसराज की कोमल विजय का। यदि तुम्हारी आंख में अंजन लिए संस्कार पाते, फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते। भाई वाह 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 वाह। प्रिय तुम्हारा, मैं अंतिम बंद आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनेगा। भोर होते ही न होती सांझ सी बेचैन प्रतिपल, भोर होते ही न होती सांझ सी बेचैन प्रतिपल,
भूल जाता क्यों कहो व्यवहार का व्यवहार मखमल, मौन को भी मौन सहने की पड़ी होती न आदत, आहटों के द्वार पर आहट न करती रोज स्वागत। यदि तुम्हारी हाँ तुम्हारी यदि तुम्हारी मांग में सिंदूर सा अधिकार पाते, हाय हाय, यदि तुम्हारी मांग में सिंदूर सा अधिकार पाते फिर भले वैभव जगत का हारते तो हार जाते, प्रिय तुम्हारा हाथ थामे यदि समय के पार जाते फिर भले वैभव जगत का हारते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।